HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत पुरानी कहावत है, कपड़ों से किसी की औकात नहीं नापी जाती। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। हाल ही थाईलैंड में एक ऐसा मामला सामने आया है जब एक शख्स को लोगों ने उसके पहनावे को देखकर भिखारी और गरीब समझ लिया, लेकिन जब उसने लाखों रुपए कैश निकाले तो सब देखते रह गए। ये है पूरा मामला। सोशल साइट्स पर इस शख्स की कहानी इन दिनों काफी वायरल हो रही है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। बताया जाता है कि एक दिन यह शख्स थाईलैंड के सिंगबुरी क्षेत्र साटीट मैक्सिंगबेरी बाइक नामक शोरूम पर फट्टे हाल में पहुंचा था। पहले उसने खिड़की से पूरे शोरूम का मुआयना किया और कुछ देर बाद उसके अंदर पहुंचा। शोरूम में मौजूद सभी लोग उसे देखने लगे। लोगों को लगा कि ये कोई भिखारी या मजदूर होगा, लेकिन जैसे ही उसने एक शख्स से शोरूम के मालिक के बारे में पूछा और हार्ले डेविडसन गाड़ी खरीदने के बात कही तो सब हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। कुछ देर तक सेल्समैन उसे इग्नोर करते रहे। इसके बाद उस शख्स ने चिल्लाते हुए शोरूम ऑनर को बुलाया और सारी बातें बताई। इस दौरान वहां मौजूद सभी की निगाहें दोनों पर टिकी थी। करीब 10 मिनट के बाद शोरूम के मालिक ने उन्हें हार्ले डेविडसन दिखाई और उसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताया। गाड़ी का मुआयना करने के बाद शख्स ने तुरंत सबके सामने 12 लाख रुपए कैश निकाल कर रख दिए। वहां मौजूद सभी लोग एकटक निगाह से उस शख्स की ओर देखने लगे। सबको यही लग रहा था, क्या सचमुच इस शख्स के पास इतने पैसे हैं?